महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छोटी बालचोली थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड पर महाराष्ट्र से राजस्थान जाने वाली बस सवारियों को लेने के लिए रुकी थी। इस दौरान बस में सवार सुशीला नामक महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और बस में ही महिला ने दम तोड़ दिया। मामला संदिग्ध होने पर पुलिस ने शव को पीएम के लिए MY हॉस्पिटल भिजवा दिया है, जहां पर महिला का पीएम रिपोर्ट के आधार पर महिला की मृत्यु के असल कारणों का पता चल सकेगा। इंदौर विजयनगर थाना क्षेत्र का है मामला है, जहां सतपाल सिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने कुछ दिन पहले एक एजेंट को अपने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज दिए थे, लेकिन एजेंट द्वारा लोन नहीं किया गया था। चार महीने बाद अचानक बैंक की किस्त के लिए कुछ लोग घर पर आए तो पता चला कि आरोपी ने सतपाल के आधार कार्ड और दस्तावेज का दुरुपयोग कर कई अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम फाइनेंस कराए और रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर फाइनेंस एजेंट देवेन की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि देवेन के खिलाफ पूर्व में भी इस तरह के कई शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई थी। इंदौर में शादी का झांसा देकर चौकीदार ने युवती से रेप किया। इंदौर में पुलिस महिला संबंधित अपराधों को लेकर सजग नजर आ रही है। इसी के चलते हीरानगर थाना पुलिस ने फरियादी युवती की शिकायत पर आरोपी अंकित वर्मा के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी चौकीदारी का काम करता है, जो कि भानगढ़ का रहने वाला है। आरोपी इंदौर में युवती के साथ उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर रहने लगा और उससे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक फरार हो गया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो ऐसे बदमाशों पर शिकंजा कसा है, जिन्होंने तीन दिन पहले एक पब में युवती के साथ धक्का मुक्की की मामूली बात पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। युवती ने तुकोगंज पुलिस को शिकायत में बताया कि उसको व उसके साथियों को मारा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर रासुका के तहत कार्यवाही की है। आरोपियों के नाम रणवीर उर्फ राम नेकिया, पिता बाबू आनंद नेकिया उम्र 28 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा और हैप्पी उर्फ इरफान अली, पिता शाकिर अली उम्र 35 वर्ष निवासी मिल रोड फौजी नगर जुगाब देवास को गिरफ्तार किया है। इंदौर में लसूरिया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत की छत से काम करते वक्त अचानक मजदूर का पैर फिसला, जिसके कारण छत से नीचे गिर जाने के चलते मजदूर बुरी तरह घायल हो गया था। तत्काल गंभीर अवस्था में मजदूर को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान देव सिंह पिता हरीश निवासी कृष्णबाग कॉलोनी के रूप में हुई है। लगभग एक साल से ठेकेदार के पास मजदूरी का काम कर रहा था। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को पीएम के लिए MY हॉस्पिटल भिजवाया गया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लोगों के बयानों के आधार पर पुलिस आगे की कार्यवाही की बात कह रही है। सेंधवा में ब्राह्मण समाज के द्वारा परशुराम जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ब्राह्मण समाज द्वारा सुबह राम कटोरा मंदिर से झांकी मार्ग होते हुए प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं शाम को भगवान परशुराम के सुंदर रथ पर झांकी सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बैंड पर बज रहे भजनों पर समाजजन जमकर झूमे। वहीं शोभा यात्रा में समाजजन भगवान परशुराम के जयकारे लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा का सदर बाजार मोतीबाग चौक से होते हुए निवाली रोड परशुराम धर्मशाला पर भगवान परशुराम की महाआरती के साथ समापन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव अवसर पर आज परशुराम जन्मोत्सव समिति द्वारा देवझिरी मंदिर परिसर में परशुराम जी के पूजन कर भंडारे का आयोजन किया गया। समिति द्वारा यह आयोजन किया गया, ये भंडारा चर्चा का विषय रहा। भंडारे की विशेषता रही कि यहां समिति द्वारा ओपन बफेट सिस्टम के आधार पर भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें चार स्टॉल लगाकर सब्जी पूड़ी भजिए और नुक्ती प्रसादी का वितरण किया गया। भक्तों द्वारा थाली में प्रसादी लेकर खड़े खड़े या जहां मन हो वहां बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण की गई। भंडारे में करीब 4000 लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। भंडारे के आयोजन में परशुराम जन्मोत्सव समिति सदस्यों का खासा योगदान रहा। वरला बलवाड़ी में आम मुस्लिम जमात के द्वारा ईद उल फितर की नमाज 2 वर्ष के अंतराल के बाद ईदगाह पर पड़ी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी मुस्लिम समाजजन सुबह 8 बजे ईदगाह पर इकट्ठा हो गए। ईद उल फितर की नमाज अदा कराई गई। नमाज के बाद सामूहिक दुआ की गई, जिसमें मुल्क में अमन चैन और तरक्की की सामूहिक दुआ मांगी गई। सभी मुस्लिम समाजजन ईदगाह पर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे के घरों पर जाकर ईद की मुबारकबाद दी।
बलवाड़ी नगर में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान सुसज्जित रथ पर भगवान परशुराम की विशाल फोटो सजाई गई थी और काफी मनमोहक और आकर्षक लग रही थी। इस दौरान समाजजनों द्वारा भगवान परशुराम के जयकारे लगाते हुए भव्य शोभा यात्रा श्री लक्ष्मी नारायण गांधी चौक, मेन रोड, बाबा रामदेव मंदिर, बलवाड़ी बस स्टेशन, श्री सर्वेश्वर मंदिर होते हुए सुभाष चौक से भव्य शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर पर समापन हुई। जगह जगह शोभा यात्रा का नगर में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।